सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आपको टाइटल थंबनेल देके समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक मस्त सी जर्नी करने वाले दोस्तों, और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है द साउथ कोंकण रूट पे, और बहुत ही बढ़िया सा एकदम मस्त जर्नी होने वाली है दोस्तों। आज की हमारी मस्त बढ़िया सा गेम प्ले होने वाला है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ताकि कोई भी सीनरी आप में से मिस ना हो सके, और आप मस्त बढ़िया सी मतलब अच्छे एकदम बढ़िया सा जर्नी को एक्सपीरियंस कर सके। इसके लिए दोस्तों वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। और आज जो हम लोग जर्नी करेंगे दोस्तों, वो करने वाले हैं हरवाड़ा से लेके कारवार तक। तो हरवाड़ा टू कारवार का आज हम लोग दोस्तों जर्नी करेंगे, और फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन हरवाड़ा स्टेशन पे अराइव हो रही है, और जो कि दोस्तों कोंकण रेलवे सिंगल लाइन रूट है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ भी हरवाड़ा स्टेशन पे हमको क्रॉसिंग देखने मिलेगी। तो जैसे ये फुल क्रॉसिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग आगे मतलब जर्नी करने के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त एकदम हरवाड़ा स्टेशन बढ़िया सा एकदम कर्व में, और ये दोस्तों मस्त एकदम वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यू है हमारे इसका द साउथ कोंकण रूट का। और इसका पोस्ट दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो अभी तक दोस्तों अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो ज़रूर गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़रूर दोस्तों फॉलो करना, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ, मतलब जितना जितना रूट कंप्लीट होते जाता है उतना उतना दोस्तों मैं पिक्स शेयर करते रहता हूँ। तो ज़रूर दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो हरवाड़ा स्टेशन का बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा एकदम कर्व और नज़ारा। तो आप में से कोई हरवाड़ा का होगा तो यार ज़रूर कमेंट करके बता देना कि ये रियलिस्टिक से मैच हो रहा है कि नहीं, और कुछ चेंजेस करना होगा तो वो भी ज़रूर बता देना दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी हरवाड़ा स्टेशन पर अभी हम लोग रुकेंगे हमारी ट्रेन। और बात की जाए ट्रेन की तो दोस्तों आज हम लोग एक मस्त समर फेस्टिवल एक्सप्रेस ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, समर फेस्टिवल एकदम स्पेशल एक्सप्रेस ड्राइव कर रहे हैं, हॉलीडे स्पेशल। तो ये ट्रेन है दोस्तों मैंगलोर से मुंबई सीएसएमटी के बीच में चलती है, मतलब रियल में नहीं चलती है दोस्तों, अभी हम लोग ऐसे ही चला रहे हैं ये ट्रेन को समर फेस्टिवल जो कि अभी आ चुका है, हॉलीडे सीज़न है, इसके लिए दोस्तों रश कम होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो हरवाड़ा का बहुत ही बढ़िया सा एकदम हरवाड़ा स्टेशन का नज़ारा, एकदम एरियल व्यू आप देख सकते हो दोस्तों। और ये है हरवाड़ा स्टेशन का मतलब गेट, जहाँ पर से आप रेलवे के बिल्डिंग पे जा सकते हो, और ये हरवाड़ा स्टेशन देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों हरवाड़ा स्टेशन, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर देख सकते हो आप इलेक्ट्रिक लोको लग चुका है, और रिसेंटली दोस्तों कोंकण रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का अचीवमेंट भी, एकदम बिग अचीवमेंट यहाँ पर कोंकण रेलवे ने अचीव किया है दोस्तों 100% इलेक्ट्रिफाइड का। तो बहुत जल्द दोस्तों अभी हमको कोंकण रेलवेज़ में WAP5, WAP4, WAP7 ये सब के एक्शंस, इलेक्ट्रिक लोकोस के एक्शंस देखने अभी हमको मिलेंगे दोस्तों। लेकिन बात की जाए तो यार डीजल एरा का एक अलग ही फैन बेस था दोस्तों, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता था, लेकिन हमको पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है दोस्तों, इसके वजह से इलेक्ट्रिक लोकोस भी नेसेसिटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी एक डीजल लोको के साथ एक ट्रेन जा रही है मैंगलोर की तरफ, और देख सकते हो EMD का साउंड बहुत ही बढ़िया तरीके से। और हरवाड़ा स्टेशन पे यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन हमको क्रॉस करते हुए बहुत ही बढ़िया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगलोर की तरफ जा रही है दोस्तों ये ट्रेन, और बहुत ही बढ़िया सा सीनरी। और मेरे ख्याल से मुंबई या फिर दिल्ली साइड से कहाँ से तो ये ट्रेन आई होगी, और अब जा रही है मैंगलोर की तरफ। और बात की जाए दोस्तों हमारे द साउथ कोंकण रूट के किलोमीटर्स के बारे में, तो दोस्तों जो हमारे द साउथ कोंकण रूट का वर्जन 1 आएगा उसमें दोस्तों आपको असनोटी से लेके अंकोला तलक का रूट देखने मिलने वाला है। और टोटल किलोमीटर्स की बात की जाए तो दोस्तों ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स का आपको ये रूट देखने मिलेगा वर्जन 1 में, और वर्जन 2 वर्जन 3 ऐसे मतलब आगे आगे हम लोग दोस्तों एक्सटेंड करते जाएंगे हमारे द साउथ कोंकण रूट को। तो जैसे हमने कोंकण रूट को एक्सटेंड किया दोस्तों, वैसे हम लोग ये वाले रूट को भी आगे मैंगलोर तलक मैं सोच रहा हूँ एक्सटेंड करने की। तो देखते जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा दोस्तों वैसे वैसे हम लोग ये रूट को एक्सटेंड करते जाएंगे। और बात की जाए इसके मतलब फ्रीवेयर होगा कि पेवेयर होगा, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो हमारा द साउथ कोंकण रूट आएगा वो दोस्तों एकदम फ्रीवेयर होने वाला है, कुछ आपको चार्जेस पे करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
मस्त एकदम इंजॉय करना। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे ये रूट को। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बहुत ही बढ़िया सा मतलब नज़ारा हरवाड़ा स्टेशन का। तो अभी दोस्तों जो कि हमारा मतलब क्रॉसिंग तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको हरवाड़ा स्टेशन का एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग हमारी आगे की जर्नी के लिए प्रोसीड कर देंगे दोस्तों। तो जैसे आप हरवाड़ा स्टेशन के मतलब स्टेप्स चढ़ोगे तो यहाँ पर आपको टी बोर्ड दिखाई देगा और हरवाड़ा का स्टेशन बोर्ड, और उसके बाद यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 बहुत ही बढ़िया तरीके से शाइनिंग मारते हुए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मतलब और आगे जाएंगे दोस्तों अभी हम लोग। और फिर अब आगे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा और आगे आना, ये दोस्तों मतलब ये स्टेशन पे दोस्तों ज़्यादा ट्रेन्स हॉल्ट नहीं करती है, इसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा आपको पीपल्स कुछ दिखाई नहीं देंगे, कुछ लोग दिखाई नहीं देंगे। थोड़े से सीटिंग बेंचेस है और थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मैंने ये लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, IR शेड, मतलब शेड होता है ना दोस्तों, तो वही प्लेटफॉर्म शेड का यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा मतलब शो करने की मैंने ट्राई किया है, दिखाने का ट्राई किया है, और यहाँ पर देख सकते हो। और फिर लास्ट में यहाँ पर थोड़े से कुछ सिटिंग बेंचेस आपको दिखाई देंगे RPF के, जो कि मतलब उसको रिपेंट किया गया है, और यहाँ पर हरवाड़ा का स्टेशन बोर्ड और फिर ख़त्म। और फिर जैसे दोस्तों आप हरवाड़ा से मतलब लूप लाइन आपकी मेन लाइन को जॉइंट हो जाएगी, उसके बाद ये बढ़िया सा यहाँ पर हाईवे देख सकते हो आप, जो कि रियल लाइफ में भी दोस्तों ये हाईवे मौजूद है हरवाड़ा के आउटर पर। तो यही गाइस मैंने भी यहाँ पर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर का थोड़ा काम बचा हुआ है, मतलब टेक्सचरिंग वगैरह देना है, तो वो गाइस आप Part 3 में देख लेना हमारे गेम प्ले के, जो कि हरवाड़ा 2 अस्नोटी का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट होने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं हरवाड़ा का यहाँ पर आपको रेलवे का बिल्डिंग दिखा देता हूँ, मतलब जहाँ पर से सब कंट्रोल किया जाता है। तो ये है दोस्तों हरवाड़ा का रेलवे का बिल्डिंग, रेलवे बिल्डिंग शॉर्ट में बोला जाए तो। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे रियलिस्टिक रियल लाइफ में गाइज वैसे मैंने भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, तो देख सकते हो आप। और यहाँ पर एक फ्लैगमैन भी आपको दिखा होगा। तो अभी दोस्तों अभी हम लोग डिपार्चर करने के लिए रेडी हो चुके हैं, जो कि सिग्नल तो हमको पहले ही ग्रीन मिल चुका है, तो यार हॉर्न को बजा देंगे और फिर मस्त ये सीनिक रूट पर हम लोग जर्नी की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो आप मस्त एकदम बढ़िया सा सीनरी लग रहा है हमारे हरवाड़ा का। तो यार सीनरी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कुछ आप चेंजेस करने होंगे तो वो भी कमेंट में बता देना दोस्तों, कुछ मतलब ऐसा और ऐड करना होगा या फिर कुछ हटाना होगा तो ज़रूर कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना दोस्तों। और अभी तक दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, वहाँ पर भी दोस्तों मैं डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ ट्रेन सिमुलेटर के रिलेटेड और हमारे रूट्स के रिलेटेड। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, और ट्रेन हमारी बढ़ चुकी है दोस्तों कारवार की तरफ। तो अभी हम लोग कारवार नॉनस्टॉप जाएंगे, मतलब बीच में तो कोई स्टेशन ही नहीं है दोस्तों, इसके लिए नॉनस्टॉप जाएंगे, लेकिन जो स्पीड है दोस्तों वो हम लोग लिमिट में रखेंगे, क्योंकि आपको सीनरी भी दिखानी है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सीनरीज आपको देखने मिलेंगे दोस्तों अभी हरवाड़ा टू कारवार के बीच में। और कारवार टू अस्नोटी का भी गाइस मैंने गेम प्ले कर रखा है, तो अगर आपने वो वाला गेम प्ले नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों अस्नोटी टू कारवार के गेम प्ले की, तो आप ये वाला गेम प्ले देखने के बाद वहाँ पर ज़रूर विजिट दे सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मस्त एकदम कर्व स्टेशन से हम लोग डिपार्चर लेते हुए हरवाड़ा के बढ़िया सा कर्व स्टेशन, और सीन देख सकते हो हरवाड़ा स्टेशन का क्या ही बढ़िया सीन लग रहा है। और बहुत लोग गाइस बोल रहे थे कि यार कोंकण रूट कब आएगा कोंकण रूट, तो सबसे पहले गाइस मेरी मतलब मेन प्रायोरिटी तो कोंकण रूट ही है, तो कोंकण रूट तो गाइस मैं मई या फिर जून, ये दो मतलब मई एंड या फिर जून के मिडल वीक में आ जाएगा दोस्तों हमारा कोंकण रूट का Version 5, क्योंकि दोस्तों अभी ये साउथ कोंकण रूट भी मैं ही बना रहा हूँ, तो इसके लिए गाइस मतलब समझ रहे हो ना, आप दो रूट एक टाइम पे नहीं बना सकते दोस्तों, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है रिलीज़ होने के लिए। और ये देख सकते हो यार क्या ही बढ़िया सीन लग रहा था यहाँ पर, वापिस से एक बार मैं आपको एरियल व्यू दे दूंगा दोस्तों, तो अभी दिखा देता हूँ आपको एरियल व्यू थोड़ी देर में। और यहाँ पर देख सकते हो आप कर्व, लेकिन एरियल व्यू से पहले आप थोड़ा कर्व इन्जॉय करना और फिर मैं आपको एरियल देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एरियल व्यू क्या ही बढ़िया सीन लग रहा है दोस्तों, सामने पहाड़ और ये बढ़िया सा कर्व हरवाड़ा स्टेशन का कर्व, बहुत ही मस्त कर्व। यार आपको कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना ज़रूर, जितने भी सीन दोस्तों में मतलब आपको जितने भी सीन अच्छे लग रहे हैं ना, जितने भी सीनरीज आपको अच्छी लग रही है, वो यार ज़रूर एक बार टाइम स्टैम्प डाल के आप कमेंट कर देना।
ताकि मुझे भी समझ सके यार कि आपको कैसा लगा इतना मैं रूट बना रहा हूँ वो। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी वापस से एक बार हम वापस से मतलब ये हमारा पहला ही टनल है, हमारे आज के वीडियो का फर्स्ट टनल आ चुका है दोस्तों यहाँ पर हरवाड़ा का, हरवाड़ा टनल देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये टनल भी एकदम कर्वी टनल है। तो गाइस अब भी देख सकते हो अभी हम लोग टनल के अंदर आ चुके हैं और पूरा सीनरी अभी हमारा बंद हो चुका है। तो ये टनल गाइस ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही टनल था, लेकिन मैं स्किप कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो सके। और अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों डायरेक्ट लोकोमोटिव के पीछे DL1 कोच पर। और यहाँ पर देख सकते हो एक टनल से अभी हम लोग बाहर निकले और फिर से एक बार दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे टनल पे। तो मस्त मस्त एकदम मतलब जैसा रियलिस्टिक है ना दोस्तों, वैसे ही मैंने भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है गेम में। और ये गाइस मैंने जो रूट बनाया है वो मैंने गूगल अर्थ के रेफरेंस से बनाया है और कुछ यूट्यूब वीडियोस मतलब जिन्होंने जर्नी कंपिलेशन वीडियो बनाया है उनके थ्रू मैंने गाइस ये रूट बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ भी गाइस कैसा लग रहा है पहाड़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एकदम रियलिस्टिक ऐसा लग रहा है कि नहीं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अभी एक टनल से हम लोग जस्ट बाहर निकले थे और वापस से दूसरे टनल में हम लोग घुस चुके हैं, यहाँ पर घुसने वाले हैं। और ये टनल दोस्तों एकदम शॉर्ट होने वाले, बहुत छोटा टनल है ये। और रियल लाइफ में भी दोस्तों ये टनल बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये वाला मतलब जिस पे अभी हम लोग है वो वाला। और ये टनल के बाहर ना दोस्तों आपको एक मस्त मस्त मतलब बहुत ही बढ़िया सीन देखने मिलने वाला है। तो रेडियो दोस्तों आप अभी एक बढ़िया सी सीनरी देखने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको ये वाली सीनरी कैसी लगेगी, मतलब ये वाली नहीं अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस 5 सेकेंड्स और फिर मैं आपको बता दूंगा गाइस वो सीनरी। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों यार क्या ही बढ़िया सीनरी लग रही है, सामने आप बाजू में आप देख सकते हो आपके रेलवे ट्रैक्स के मस्त एकदम बीच, और बीच के एकदम मतलब एक साइड पे बीच, एक साइड पे माउंटेन और बीच पे आपकी ट्रेन। तो देख सकते हो क्या ही बढ़िया सीन लग रहा है। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला सीन कैसा लगा, ये वाला मतलब जो बीच मैंने बनाने की कोशिश की है वो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देख सकते हो आप एरियल व्यू, यहाँ पर एक साइड पे बीच, दूसरे साइड पे पहाड़ और बीच में आपकी ट्रेन। और उसके ऑफिस से बीच के मतलब थोड़े आगे कुछ घर वगैरह दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीनरीज आपको देखने मिलने वाले हैं साउथ कुंकन रूट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कारवार की तरफ, हमारी ट्रेन बढ़ रही है। और दोस्तों अभी कुछ दिनों के लिए दोस्तों अभी हमारे वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि दोस्तों अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से यानी कि 11 अप्रैल से, और मेरे एग्ज़ाम्स 20 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर 20 अप्रैल के बाद दोस्तों हम लोग ऑफिस से रेगुलर वीडियो स्टार्ट करेंगे और उस समय में दोस्तों मुझे रूट भी एडिट करने नहीं मिलेगा, इसके लिए दोस्तों रूट भी आने में थोड़ा डिले हो सकता है हमारा दोनों रूट, साउथ कोंकण और कोंकण रूट दोनों, क्योंकि गाइस मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ऊपर से दोस्तों एग्ज़ाम ऑफलाइन से, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में पता है दोस्तों यार थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा अभी, इसके लिए दोस्तों कुछ दिनों के लिए हमारे वीडियोस नहीं आएंगे और रूट भी थोड़ा डिले हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों उसके बाद मैं मतलब वो टाइम कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और टाइम टू टाइम मतलब जो टाइम पर मैंने सोचा है दोस्तों उस टाइम पर मैं रिलीज़ करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारी ट्रेन जा रही है मतलब एकदम जंगलों के बीच में से, आजू बाजू पूरे झाड़ है और बीच में से हमारी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। और देख सकते हो गाइस पहाड़ वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर बनाए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देख सकते हो इंडियन रेलवेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो यार मस्त हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है कारवार की तरफ। तो देखते हैं यार कब तक हम लोग कारवार पहुँचेंगे, अभी ऑलमोस्ट हमारा 60% तो गेम प्ले कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर मस्त एकदम इलेक्ट्रिफिकेशन, और बात कीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन की तो गाइस हमारे तो साउथ कोंकण रूट में भी पूरा 100% इलेक्ट्रिफाइड रूट आपको मिलेगा क्योंकि कोंकण रेलवे से अभी 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। तो हमारा जो साउथ कोंकण रूट है वो भी 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो आप मस्त एकदम एरियल व्यू था बढ़िया सा, तो कैसा लगा यार सीनरी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर देख सकते हो आजू बाजू एक साइड पे मतलब दोनों साइड पे पहाड़ है दोस्तों, मतलब दूर है इतने भी नज़दीक नहीं है, ऐसा बीच में खेत है उसके बाद फिर पहाड़ है।
और मस्त एकदम बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों मतलब आपको एवरेज सीनरी देखने मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हरवाड़ा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आपको एवरेज सीनरी मिलेगी, लेकिन हरवाड़ा पे तो यार बहुत ही बढ़िया सीनरी है, बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया। और हरवाड़ा टू अंकोला तलक में भी दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीनरी सी देखने मिलेंगे। और कारवार टू असनोटी में गाइस आपने देखा होगा यार मतलब एवरेज सीनरी थी, इतनी भी खास सीनरी नहीं थी, तो मैं ट्राई करूँगा यार उसको भी थोड़ा रीडेवलपमेंट करने की। और यहाँ पर देख सकते हो आप अभी हम लोग एक ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एकदम मॉडर्न ब्रिज है यहाँ पर, और नीचे से एकदम हाईवे जाता हुआ और उसके ऊपर से हमारी बढ़िया सी रेल ट्रेन मतलब हॉलीडे स्पेशल एक्सप्रेस देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया सीनरी है यार, कैसी लगी? थोड़ा मतलब यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों, ग्रासेस वगैरह ऐड करना है, जो कि देख सकते हो आप थोड़ा ओपन स्पेस था तो वहाँ पर थोड़ा ऐड करना है दोस्तों हमारे ग्रासेस वगैरह, तो वो ऐड करने के बाद भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हो ईओ जी क्या ही बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम ये रिपेंट किया है, जिसने भी रिपेंट किया है गाइस फुल क्रेडिट उनको ही जाता है, और मस्त एकदम बढ़िया रिपेंट किया है ईओ जी, एकदम रियलिस्टिक ईओ जी लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पहाड़ यहाँ पर बनता हुआ, यहाँ पर मतलब पहले से ही है लेकिन ऐसा जीरो से वन पे जा रहा है ग्रेडियंट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी हॉलीडे स्पेशल एक्सप्रेस आगे बढ़ती हुई। और यूजुअली बात की जाए हॉलीडे स्पेशल की तो यार ये हमेशा 2 से 3 घंटा डिले ही चलती है हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, क्योंकि यार इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको साइड में डाल दिया जाता है लूप लाइन पे, और फिर जो डेली ट्रेन से उनको सिग्नल दिया जाता है भाई चलो आगे जाओ आगे आगे आए। और यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ आजू एक साइड में पहाड़ है दोस्तों और एक साइड में छोटा सा गाँव, तो मस्त एकदम बढ़िया सीनरी है। और एकदम साउथ इंडिया साइड में हम लोग आ चुके हैं अभी, मतलब साउथ इंडिया साइड में ही थे पहले भी। हरवाड़ा भी गाइस कर्नाटक में आता है साउथ इंडिया, और हमारा कारवार भी कर्नाटक में आता है साउथ इंडिया, तो मस्त एकदम बढ़िया से 2 स्टेशन्स है और उनके बीच में अभी हमारी ट्रेन है, तो देखते हैं कब तक हम लोग पहुँच जाते हैं हरवाड़ा स्टेशन पर। और ये देख सकते हो मस्त इलेक्ट्रिफिकेशन और आजू बाजू पहाड़। एंड अभी रिसेंटली गाइस आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि कोंकण रेलवेज ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का अचीवमेंट अचीव किया है, तो अभी गाइस जैसे कि कोंकण रेलवेज ने पूरा 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, तो ऐसा मतलब 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, मतलब मुझे ऐसा ऊपर ऊपर का मालूम है। तो आने वाले गाइस 1 से 2 महीने में हमारे कोंकण रूट पर मतलब ऑलमोस्ट 80% ट्रेन को दोस्तों इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा, और 20% ट्रेन को ही सिर्फ डीजल लोको लिंक मिलेगी, बाकी सबको ई लोको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलेगा दोस्तों। ऑलमोस्ट 80% ट्रेन्स को दोस्तों इलेक्ट्रिफाइड करने वाले हैं एक ही टाइम पे। तो शेड्स तो यार आपको पता ही होगा, कल्याण शेड का लोगो होगा, एक मेरे ख्याल से एर्नाकुलम का होगा, शायद एर्नाकुलम का भी होगा, कल्याण के तो मेजॉरिटी कल्याण के होंगे, कल्याण और पुणे शेड के लोकोमोटिव, क्योंकि अभी भी गाइस कोंकण रेलवे में जितने भी डीजल लोगों के साथ ट्रेन जाती है उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कल्याण शेड के ही लोकोमोटिव दिखेंगे। कल्याण हो गया, पुणे हो गया, एक हमारा रतलाम शेड का भी आता है, वो दोस्तों आता है हमारे मडगांव राजधानी के साथ, रतलाम शेड और वटावा शेड का होता है, वटावा शेड का, ये 2 लोकोमोटिव डीजल लोको लगते हैं हमारे मडगांव राजधानी को। और टीवीसी राजधानी को तो यार बीस्ट लगता है, बीस्ट WDP 4D, वो भी शायद से मेरे ख्याल से कल्याण या फिर एर्नाकुलम शेड का लोकोमोटिव होता है। और यहाँ पर देख सकते हो यार खेत का रास्ता नीचे, और नीचे से मतलब पास होते हुआ अंडर पास, और अभी हमने थोड़ा ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया है, क्योंकि यार आपको सीनरी दिखाने के चक्कर में हमारी ट्रेन डिले हो जाएगी इसके वजह से। और यहाँ पर देख सकते हो एक मस्त बढ़िया सा कर्व, और कर्व को पार करते हुए हमारी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही मस्त यहाँ पर सीनरी। कैसी लगी सीनरी यार आप कमेंट करके बताना, हर बार मैं ही बता रहा हूँ कि यार ये मस्त सीनरी, ये वो सीनरी, तो आपको कौन सी सीनरी अच्छी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हमारे सूरज दादा सन है, और अभी हम लोग मस्त एक बढ़िया सा यहाँ पर रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, छोटी सी रिवर है, और ब्रिज के ऊपर से हमारी यहाँ पर कौन सी ट्रेन, हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, तो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन देख सकते हो। और
कर्व अभी भी शुरू है यार, मस्त बढ़िया कर्व यहाँ पर। और फिर ये कर्व जैसे ही एंड होगा फिर हम लोग एक टनल में पहुँचेंगे, और फिर जैसे ही गाइस हम लोग वो टनल को पार करेंगे उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कारवा, और फिर एंड होगी हमारी इस वाली रूट की, इस वाले रूट पे एक और जर्नी, एक और सक्सेसफुल गेम प्ले। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे रियलिस्टिक में दोस्तों एकदम मतलब 0 से 10 तक का ग्रेडियंट बढ़ता है, वैसे मैंने भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है दोस्तों। और ये देख सकते हो आप सामने पहाड़, और ये पहाड़ को दोस्तों मैंने ये जो ट्रीज से ढका है एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। तो यार ये कैसे लग रहे हैं यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और इससे लैग नहीं होंगे आपका गेम बिल्कुल लैग नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी डिवाइस गाइस इतना भी हाई एंड डिवाइस नहीं है, 4GB रैम ही सिर्फ, और प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, फिर भी मेरे में दोस्तों इतना अच्छा चल रहा है। तो आपके अगर 6GB रैम होगा या फिर 4GB रैम में भी अच्छा प्रोसेसर होगा तो गाइस आराम से आपके इसमें वर्क होगा, आराम से कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी ये रूट खेलने में। और अगर आपका 3GB रैम होगा दोस्तों और प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो चांसेस है कि आपके इसमें रूट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और अगर आपका 3GB रैम होगा और प्रोसेसर एकदम मस्त होगा, तगड़ा वाला प्रोसेसर होगा, तो फिर भाई मज़े आपके भी मज़े, मस्त एकदम रूट एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से एकदम वर्क होगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप हमारी ट्रेन अभी टनल में आ चुके हैं, और ये टनल को जैसे हम लोग पार करेंगे दोस्तों उसके बाद हम लोग कारवार पे पहुंच जाएंगे। और ये टनल वही टनल है दोस्तों जो हमको कारवार स्टेशन से दिखता है, जो कि मतलब कारवार की ब्यूटी को और खूबसूरत बनाता है दोस्तों कारवार को। तो ये वही है सामने वाला टनल, एकदम मस्त बढ़िया सा सीनिक, जो कि कारवार को सीनिक बनाता है, वही टनल में अभी हम लोग है। और टनल को क्रॉस करेंगे फिर पहुंच जाएंगे हमारे आखिरी स्टॉप कारवार पे। तो देखते हैं दोस्तों कब हम पहुंचते हैं और कब कोंकण रेलवेज में फुल्ली इलेक्ट्रीफाई शुरू हो जाएगा। तो शुरू तो गाइस अभी हो ही जाएगा यार, मतलब ऑलमोस्ट 100% तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ही शार्प एक ये था, शार्प कर्व था, इसके वजह से हम लोग सीधा टनल के बाहर चले गए, सीधा टनल के बाहर हमको फेंक दिया गया। और अभी दोस्तों फाइनली हम लोग बाहर निकल रहे हैं हमारे टनल के, जैसे कि देख सकते हो आप टनल के बाहर अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही मस्त तरीके से और रियलिस्टिक जैसे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ देख सकते हो आप पहाड़। अभी नहीं थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर से बाहर निकले तो आपको जो माउंटेन है वो एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, तो थोड़ा आगे जाने दो गाइस फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो एक लेवल क्रॉसिंग जिसपे कोई भी नहीं है, एक क्या बोलते हैं यार, एक बस भी नहीं है, एक ऑटो भी नहीं है, एक मोटरसाइकिल भी नहीं है, क्या ये सब अच्छा। और देख सकते हो यार पहाड़ कितना औसम लग रहा है, अरे भाई रुकना यार बोलने तो दे यार। तो ये देख सकते हो यार क्या ही बढ़िया पहाड़ लग रहा है, बहुत मस्त। तो देखते हैं दोस्तों ये पहाड़ हमको कहाँ तलक दिखता है, मतलब हम लोग पूरा स्टेशन पे जाने तलक हमको ये विजिबल होता है कि नहीं, वो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। और देख सकते हो अभी तलक तो हमको विजिबल है क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड पे है यार और फ़ोन पे, तो हमको मतलब क्या ही हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इससे, एक्सपेक्ट क्या ही करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी तलक तो गाइस दिख रहा है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के तो बियॉन्ड लिमिट जा रहा है दोस्तों, अच्छा है। चलो गाइस ऑलमोस्ट मतलब 80% हम लोग आ चुके हैं मतलब स्टेशन पे, देख सकते हो मतलब 80 अभी हम लोग लूप लाइन पे भी आ चुके हैं, फिर भी हमको पहाड़ विजिबल है और ट्रीज भी विजिबल है, मेन बात मतलब ट्रीज विजिबल है और मतलब अच्छा सीनरी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एंड तलक ये बरकरार रहता है कि नहीं ये होगी, देखते जानने वाली क्या लगता है आपको। तो अभी लूप लाइन पे हम लोग फुल्ली आ चुके हैं और पहाड़ भी धीरे धीरे गायब हो रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो मतलब एकदम टॉप के 2-3 झाड़ गाइस गायब हो देखो। तो देख सकते हो दोस्तों अभी पहाड़ देखना मतलब दिखना कम हो रहा है, तो कोई नहीं यार यहाँ तक तो हमको साथ दे दिया, बस हो गया गाइस इतना ही हमारे लिए बहुत हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कारवार स्टेशन पे अभी हम लोग अराइव्ड हो रहे हैं, अराइविंग कर रहे हैं कारवार पे। तो एक और दोस्तों सक्सेसफुल हमारा आज का ये वाला गेम प्ले भी हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो कारवार और ये वाले रूट पे दोस्तों मैंने सब रियलिस्टिक
स्टेशन बोर्ड ही यूज़ किए हैं, जो रियल में है वही यहाँ पर भी यूज़ किए हैं दोस्तों, जैसे मैंने कोंकण रूप में किया था वैसे। और ये जो मतलब रिपेंट जिसने किया है दोस्तों ये स्टेशन बोर्ड, वो है हमारे सब्सक्राइबर आकाश नायक। तो रिपेंट का क्रेडिट गाइस उनको ही जाता है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्टेशन बोर्ड को रिपेंट किया है। और यहाँ पर दोस्तों आज की हमारी जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि दोस्तों आज का हमारा ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको आज का हमारा ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।